हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवधर पाठक आप सभी का नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की, और त्रिकोणमिति के अंदर हमने कोणों के अध्ययन को थोड़ा सा आगे पढ़ा था कि हम 90 डिग्री से आगे वाले कोणों को कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक ASTC का रूल समझाया था, साथ ही 24 फॉर्मूले भी समझाए थे। उम्मीद करूँ आप सबने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, आप सबको याद हो गए होंगे या समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम अगले 24 फॉर्मूलों का निर्माण आज सीखेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपनी, तो मैंने आपको ये डायग्राम समझाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इस डायग्राम में हमने इस पोल को स्टडी किया था, यानी हमने इसमें सूत्र पढ़े थे 90 माइनस थीटा के और 90 प्लस थीटा के, और हमने सूत्र पढ़े थे 270 माइनस थीटा के और 270 प्लस थीटा, ठीक है। आज हम बात करेंगे इस पोल की, जिसके दो सिरे 180 और 360 हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम सेम टेक्निक से उन्हीं सूत्रों का अध्ययन करते हैं। दैट मीन, जैसे यहाँ 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा थे, उसी तरह यहाँ पर 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। पहले मैं लेता हूँ साइन 180 माइनस थीटा के सूत्रों का, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा के सूत्र कैसे वर्क करेंगे, देखिए इसके अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, जब हम इस पोल को यूज़ करते हैं, यानी 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के सूत्रों को यूज़ करते हैं, तो जिस फंक्शन को यूज़ करते हैं वो फंक्शन एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे 90 वाले सूत्रों को हम काम में ले रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि साइन कॉस में बदल रहा था, कॉस साइन में बदल रहा था। लेकिन इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसके चिन्ह चेंज होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा 180 माइनस थीटा, अब हम देख सकते हैं कि 180 में से जब हम कुछ घटाएंगे तो हम द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, और द्वितीय चतुर्थांश के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये साइन पॉजिटिव और ये कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सारे के सारे नेगेटिव, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें एक चीज़ की सहूलियत होती है कि साइन ना तो कॉस में बदलता है, कॉस साइन बदलता है, बल्कि जो है वो ऐसे का ऐसा ही रहता है, मतलब साइन साइन थीटा ही रहेगा, कॉस कॉस थीटा रहेगा, सेम ऐसे ही टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक और कॉसेक कॉसेक थीटा ही रहता है। ये हमें एक सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने इन छह सूत्रों का निर्माण किया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, देखो जैसे साइन, अब सपोज करो अपन ने हल किया था तो हमने निकाला था 120 डिग्री, ठीक है। अब एक दिमाग में कन्फ्यूज़न आता, सर आपने है ना ये जो सूत्र समझाया वो 90 वाले भी समझाए और 180 वाले भी समझाए, सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमें सूत्र 90 वाला काम में लेना है या 180 वाला। तो भाई आप कोई सा भी सूत्र काम में ले लीजिए, आपका परिणाम हमेशा सेम प्राप्त होगा, परिणाम में कोई भी फर्क नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ हल करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए साइन 120 आया मेरे पास, अब इसको हल करने के दो तरीके, एक मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30, और एक मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60। आप देख सकते हैं इस सूत्र से, ठीक है। अब ये वाला अपन ने कैसे पढ़ा था, इसको अपन लिखते थे कॉस, ठीक है, 30 डिग्री यही करते थे। साइन क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश है इसलिए पॉजिटिव होता है, तो अपन इसको पॉजिटिव रहने देते थे। तो जब इसको हल करेंगे तो ये भी तो द्वितीय चतुर्थांश है तो ये भी तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 180 के सूत्र में क्या होता है कि साइन साइन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, तो ये हो गया साइन और ये मैंने लिख दिया 60। अब अगर आपको याद हो तो जो वैल्यू कॉस 30 की होती है वही वैल्यू साइन 60 की भी होती है, और आप देख सकते हैं कि दोनों परिणाम मुझे सेम प्राप्त हुए, सेम आ रहे ना। तो आप चाहे 90 वाले सूत्र से निकालें चाहे 180 वाले सूत्र से,
उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां मैंने आपको 180 माइनस थीटा के सूत्रों का निर्माण करके दिखाया, ठीक। तो अब हम कौन से सूत्र पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे 180 प्लस थीटा वाले सूत्र। तो ये होते हैं 180 प्लस थीटा वाले सूत्र, ठीक है। अच्छा, इनमें इस साइड क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसे ही हम 180 में थीटा जोड़ेंगे, हम थर्ड चतुर्थांश में आ जाते हैं, और उसमें पॉजिटिव कौन होता है? टेन और कॉट। तो ये टेन और ये कॉट तो पॉजिटिव, और बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो छह सूत्र तो हुए 180 माइनस थीटा के, और छह सूत्र हो गए 180 प्लस थीटा के, कितने हो गए? 12 सूत्र, ठीक है। अब बात करते हैं, अब मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा बताए, ऐसे ही जो अगले दो सूत्र बनेंगे वो क्या होंगे? तो उन दो सूत्रों को हम लिखते हैं। तो उसमें पहला सूत्र आता है 360 माइनस थीटा का, और दूसरा सूत्र होता है 360 प्लस थीटा का, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, तो सूत्र कैसे बनेंगे? तो हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा। अब मुझे बताइए कि अगर मैं 360 माइनस थीटा का सूत्र काम में ले रहा हूँ, तो वास्तव में मैं किस चतुर्थांश की बात कर रहा हूँ? सोचिए कि मैं आपको वास्तव में किस चतुर्थांश के बारे में बता रहा हूँ। तो हम 360 में से कुछ घटाएंगे तो चौथे चतुर्थांश में आएंगे, और चौथे में होता है कॉस पॉजिटिव। तो भैया ये वाला कॉस और ये वाला सेक, ये दो पॉजिटिव और बाकी के सारे नेगेटिव, क्लियर। ये हो गए पहले सूत्र हमारे, कितने हुए थे? 12, और अब हमने पढ़ लिए 6 और, तो कितने हो गए? 18, गुड। अब तक अगर हम बात करें तो आप जान गए होंगे कि 24 सूत्र अपन ने पहले पढ़े और 18 सूत्र अपन ने अब पढ़ लिए, ठीक है। मतलब भैया 42 सूत्र पढ़ चुके हो, मुश्किल लगे क्या? नहीं लगे ना। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर बाकी के 6 सूत्रों का निर्माण आपको ही करना पड़े तो आप कैसे करेंगे? तो बताइए कि अगले 6 सूत्र आप कैसे बनाएंगे? पहले लेफ्ट साइड बताइए, फिर राइट साइड। तो बताइए लेफ्ट साइड पर क्या असर पड़ेगा, क्या बनाएंगे हम? गुड। तो लेफ्ट साइड पर हम लिखेंगे 360 प्लस थीटा। तो बताइए राइट साइड में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने जैसे 360 में थीटा जोड़ा, भाई पूरा गोल चक्कर काट के आ गए 360, और अब आप उसमें जोड़ भी रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो आगे जाएंगे कि पीछे आएंगे? कॉमन बात है, आगे आएंगे। और आगे आएंगे तो कौन सा चतुर्थांश है? पहला, और पहले में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। तो सर ये सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, तो ये 6 सूत्र और हो गए, हो गए हमारे 48 सूत्र टोटल, ठीक। 24 सूत्र हमने पहले पढ़े थे और ये 24 सूत्र हम आज पढ़ रहे हैं, हो गए हमारे 48 सूत्र। अब मुझे नहीं लगता कि ये आपको मुश्किल लगे होंगे, ठीक है। अब हम इनके प्रयोगों को भी समझते हैं, ठीक है। वैसे देखो, मैं तुम्हें बेसिकली अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, अधिकतर आप 180 और 360 के सूत्रों को ही प्रयोग करें। उससे क्या होता है कि आपको कन्फ्यूज होने की स्थिति नहीं आती कि सर साइन कॉस में बदलेगा कि साइन रहेगा। सीधी बात है, 180 और 360 जब भी काम में लोगे, भैया जो है वो वही रहेगा, बस चिन्ह पर ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए तो अब हम इनके सूत्रों का प्रयोग देखते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, आप सब अपनी अपनी रफ कॉपी और पेन लेके बैठिए, ठीक है। पेन निकाल लीजिए और रफ कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को करने की टाइम लिमिट जो होगी वो मैक्सिमम 5 मिनट की भी नहीं रखेंगे। 5 मिनट तो हम क्लास में रखते थे अपने, यहाँ मैं आपको सिर्फ 5 से 10 सेकेंड की दूंगा, और उस 5 से 10 सेकेंड में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मैं आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन समझाऊंगा। तो देखिए, जैसे मैं आपको देता हूँ टेन 135, और आपका समय शुरू होता है अब। क्विकली सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आएगा, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम 5 से 6 सेकेंड है। 1, 2, 3, 4, 5, ओके, क्या आया? तो देखिए, आपने टेन 135, मैं इसको लिख देता हूँ सीधा सीधा, टेन 90 प्लस 45, क्या आएगा? दिस इज कॉल्ड सर कॉट 45, और ये माइनस, क्यों? क्योंकि सेकंड चतुर्थांश है, और कॉट 45 क्या होता है? 1, खत्म बात, हो गया आंसर, क्लियर।
अब आप में से कोई जरूरी थोड़ी हमने 90 लिया, कोई ने 180 भी लिया हो, तो सर 180 भी कैसे करेंगे? तो भाई फिर आसान है, हम इसे लिख सकते हैं टेन 180 माइनस 45, कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा, दूसरे में टेन क्या होता है? नेगेटिव, खत्म। और ये सीधा का सीधा टेन, और ये 45, और टेन 45 का मान क्या होता है? एक, खत्म। क्लियर? और फिर आगे देखते हैं, इसी तरह अगर अगर मैं आपसे पूछूं साइन 180 का मान बताओ, अब मैंने क्या किया, ना तो मैं पीछे गया ना मैं आगे आया, खड़े सिक्के वाली पोजीशन, मैं मध्य की स्थिति में आ गया है ना। अब मैं कैसे निकालूंगा? तो चाहे इधर से निकालू या इधर से, सेम रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं साइन 180, देन साइन 180 माइनस 0 बिकम्स साइन 0 एंड साइन 0 होता है 0, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा टर्म समझाता हूं, साइन में जो 180 क्या होता है? पाई तो होता है, तो साइन हो गया पाई। तो पाई के जितने भी गुणज होते हैं ना, गुणज, गुणज मतलब होता है जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, मतलब पाई के जितने भी गुणज होते हैं, आप उन पर जब मान निकालेंगे तो शॉर्टकट समझ लीजिए कि पाई के प्रत्येक गुणज का मान साइन के संग जीरो ही आता है, जीरो ही आता है। मतलब मैं चाहे साइन पाई निकालूं, चाहे मैं साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, मैं कितने भी पाई निकाल लूं, सबका रिजल्ट जीरो ही होता है। क्लियर? शॉर्टकट तरीका याद रखने का, ठीक है। बाकी आप चाहें तो इस तरीके से निकाल के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो तरीका साइन पर अप्लाइड है वो तरीका टेन पर भी है, कैसे? देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं जानना चाहता हूं टेन 180 का मान, तो सेम तरीके से आप इसे लिखोगे टेन 180 प्लस 0 बिकम्स प्लस का टेन 0, यानी कि 0, ठीक। इसका मतलब शॉर्टकट में बात तो यही हुई ना कि आपने टेन पाई का मान निकाला जो कि 0 आया। तो जो स्थिति साइन के संग होती है ना, वही स्थिति टेन के साथ होती है। यानी टेन के संग भी अगर आप पाई के गुणजों का मान निकालते हैं तो ये सदैव 0 प्राप्त होता है। जैसे मैं यहाँ भी निकालना चाहूँ टेन 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई या 5 पाई, तो हम कैसे भी निकाल लें, सबके रिजल्ट 0 ही प्राप्त होते हैं। आप किसी को भी निकाल लें, आप सबका फाइनल रिजल्ट 0 ही प्राप्त करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि कुछ आंसर्स आप क्विकली दे पाएंगे। सामने वाले ने पूछा, अच्छा भाई बताओ साइन 3 पाई, हमें कहते 0, अच्छा बताओ टेन 2 पाई, 0, तुरंत हो गया, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। फिर आते हैं हम इसके आगे, भाई मान लो कि ये कोण तो आपने निकाल लिया, ठीक है। अगर कोण 360 के आगे और बहुत ही आगे चला जाए, मतलब 360 के भी गुणजों में चला जाए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसको 360 के गुणजों में तोड़ पाए। जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास है साइन और मान लेते हैं 750, और मेरे पास दूसरा कोई है जो मैं ले लेता जैसे साइन 1410, सपोज करो, है ना। अब मुझे ये हल करके इसका मान निकालना, तो साइन 750 हल करते हैं, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा साइन, अब सोचो कि ये 360 के गुणजों में आ रहा है कि नहीं, मतलब इसमें 360 का भाग जा रहा है क्या, ठीक है। तो 360 का भाग अगर हम देखें तो 2 बार जाता है, ठीक है। 2 बार कैसे? 2 गुणा 360। बोला सर ये तो समझ में ही नहीं आया मुझे, तो मैं कहूँगा अच्छा ऐसा करो 36 का पहाड़ा याद कर लो, ठीक है, और बताओ उस पहाड़े में इसके पास में नंबर कौन सा आता है। तो आप क्या कहोगे? सर 36 के पहाड़े में हम ऐसा करते हैं सर 36 दूनी 72 होता है, वो आ रहा है इसके पास में 720। तो मैं कहूँगा भैया ऐसा कर, इसको 720 प्लस 30 लिख लो। अब ये तो ठीक है, ये तो आ गया 720 प्लस 30, ठीक। तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा भैया अब इसको 36 के गुणजों में तोड़ ले, तो ये हो गया 2 गुणा 360 प्लस 30, हो गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि
कि यहाँ ये 2 × 360 का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि भैया आपने 360 का एक चक्कर काट दिया, फिर आपने 360 का दूसरा चक्कर काट दिया, अब आप 30 डिग्री और आगे आ रहे, तो फाइनली आप आए तो पहले ही चतुर्थांश में ना, और पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता। तो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ कि भैया ये हो गया प्लस और ये साइन 30 डिग्री, जिसका मान 1/2 होता है। तो आपने फाइनली साइन 450 का मान निकाल दिया। अभी तक आपने इससे पहले इतने बड़े मान नहीं पढ़े होंगे, मैं आपको इसी में इतने बड़े मान सॉल्व करने समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन 1410 की। तो देखिए साइन 1410, तो आप सोचिए 36 के पहाड़े में हम कितनी बार इसे ला सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं इसे लिखता हूँ साइन 1440 माइनस 30, लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई ये कितनी बार आया, तो याद करें तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि साइन 4 × 360 माइनस 30 डिग्री, मतलब ये 360 का ही गुणज हो गया, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि भैया तुमने 4 बार चक्कर काट दिए, 1, 2, 3 और 4, 4 चक्कर तुम्हारे पूरे हो गए यहाँ के। जब 4 चक्कर पूरे हो गए तब तुम 30 डिग्री घटा रहे हो, तो घटाओगे तो तुम नीचे आओगे कि ऊपर जाओगे, कॉमन बात है, घटाएंगे तो नीचे ही आएंगे, वापस ही लौटेंगे। तो ये हम वापस लौटेंगे तो चतुर्थांश कौन सा आया, चौथा, और चौथे में पॉजिटिव कौन होता है, कॉस। हम निकाल क्या रहे हैं, साइन, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री और दिस इज -1/2। उम्मीद करूँ आपको ये चीज़ समझ में आई, ठीक है, और ये चीज़ आप निकालने में अब सक्षम हो पाए कि कैसे हम इनके आगे के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटाता हूँ। अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आपसे कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो आप हल करें। जैसे मैंने आपको दे दिया साइन 120 डिग्री प्लस कॉस 150 डिग्री बटे टेन 225 डिग्री प्लस कॉट 315 डिग्री। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ये दिया, मैं आपसे कहता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मान ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको इन सबको हल करना है, तो आप कैसे हल करके मान ज्ञात करेंगे वो समझिए। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे साइन 180 - 60, ठीक है, प्लस कॉस, तो 180 - 30 बटे 10, 180 + 45 और प्लस कॉट 360 - 45। उम्मीद करूँ यहाँ तक ये चीज़ समझ में। अब सोचिए ये कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तो क्या लिखा जाएगा, साइन 60 या कॉस 60। तो आप कहोगे सर 180 काम में ले रहे हैं हम, ये वाला पोल, तो साइन साइन ही रहेगा, है ना। फिर ये आता है कॉस, तो 180 - 30, तो आप 180 में से घटा रहे हैं, कौन सा चतुर्थांश, बोले सर दूसरा, तो दूसरे में कौन पॉजिटिव है, साइन, निकाल क्या रहे हैं, कॉस, तो रिजल्ट क्या है, बोले सर नेगेटिव। फिर मैं कहूँगा भैया कॉस कॉस रहेगा कि साइन रहेगा, आप कहोगे नहीं सर 180 काम में ले रहे हैं, जो है वो ही रहेगा, तो कॉस कॉस ही रहेगा, तो ये कॉस 30 बटे में। सेम तरीका हम 180 में जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो कौन सा चतुर्थांश, बोले सर तीसरा, तीसरे में कौन पॉजिटिव है, कि भैया 10, और निकाल क्या रहे हो 10, तो पॉजिटिव, बोला हाँ सर पॉजिटिव, तो बोला ये कॉट में बदलेगा कि 10 ही रहेगा, बोला सर 180 काम में ले रहे हैं 10 ही रहेगा, बोला ठीक है, तो 10 - 45। फिर बात आएगी इसकी कॉट
अब 360 में से घटा रहे तो गोवन बात है कि 14 चतुर्थांश, और चौथे में कौन पॉजिटिव है, कॉस, निकाल क्या रहे, कॉट, ध्यान रखना कॉस होता है पॉजिटिव, निकाल रहे हैं कॉट, इसलिए ये नेगेटिव, ठीक है, ये माइनस, ठीक। अब ये माइनस तो रिजल्ट क्या आएगा, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 45। अब हम सॉल्व करते हैं, तो साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2, ठीक है, ये हो गया माइनस, और कॉस 30 क्या होता है, याद कीजिए, कॉस 30 भी होता है रूट 3/2 भाग टेन 45 क्या होता है, बोलो 1, और कॉट 45 क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें तो इसमें से ये क्या तो 0 और इसमें से ये क्या तो 0, मतलब 0/0 बन गया सर। याद रखिएगा 0/0 एक अनिर्धार्य रूप होता है, इसे हम कहते हैं अनिर्धार्य रूप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म जिसकी ना तो आज तक कोई डेफिनेशन बनी, ना कोई मतलब समझा पाया कि इसका मतलब क्या है, इसका निर्धारण ही नहीं हुआ, जिसका निर्धारण नहीं हुआ वो अनिर्धार्य है। क्लियर? तो अब उम्मीद करूं कि आपको इन्हें हल करना आ गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए, क्वेश्चन करते समय आपके पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, एक सूत्र, क्योंकि वो आपको याद होने चाहिए, और दूसरा फोकस, क्योंकि अगर आप फोकस रखेंगे तो कई बार बड़े सवालों को बड़े तरीके से नहीं, छोटे तरीके से चुटकियों में हल किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपके सामने लिखता हूँ साइन, चार सौ पांच प्लस टेन, पांच सौ चालीस बटे कॉट सात सौ पचास और सेक 135 इंटू 10 720। अब मैं आपको ये सवाल दूं और मैं आपसे कहूं कि आपको ये सवाल हल करना है, कितनी देर में आप इस सवाल को मुझे हल करके दिखा सकते हैं, मैक्सिमम आप कितना टाइम लेंगे, एक अंदाज़ा कीजिए। तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम 3 मिनट में तो सर हम पूरा हल कर देंगे, ठीक है। कई बच्चे थोड़े से होशियार होंगे, वो कहेंगे सर इस सवाल को हम मैक्सिमम सर 2 मिनट में हल कर देंगे, पर मैं कहूँगा भैया आप अब भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो। बोला सर क्यों, मैं कहूँगा पता है क्यों, क्योंकि आप वास्तव में एक ही पार्ट सॉल्व कर रहे हो, यानी आप केवल सूत्रों पर ही ध्यान दे रहे हो, जबकि मैंने आपसे क्या बोला, दोनों चीज़ होनी चाहिए, सवाल पर फोकस और सूत्र। आप कहोगे सर क्या मतलब हुआ, मैं कहूँगा देखो सवाल को गौर से देखो और इतने गौर से देखो कि उसका सॉल्यूशन ही दिमाग में क्लियर हो जाए। भैया सूत्र से सभी कर लेंगे, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था, याद कीजिए चुटकी वाला काम, यहाँ वो चुटकी वाला काम है। देखो मैंने आपसे कहा था कि पाई के गुणजों को साइन में लिखो या टेन में, रिजल्ट 0 होता है। हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है टेन 720 से, और टेन 720 क्या हुआ, टेन 720 को अगर हम पाई के रूप में लिखें तो टेन 4π की तो लिखेंगे भाई, पाई क्या होता है 18 180, तो 18 × 36 18 × 54 18 × 72 मतलब 720, पाई का ही गुणज हुआ ना, तो इस टेन 4π यानी 720 की वैल्यू क्या होगी, 0। कॉमन बात है, तो यार इसको सॉल्व करने पे तो कुछ भी मिले, 0 से मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट तो 0 हो गया, दिमाग ही कहाँ लगाना था, ठीक। लेकिन आपने क्या किया, आपने सूत्र पर फोकस किया। मैंने क्या बोला, सूत्र भी याद होने चाहिए और सवाल पर भी पूरा फोकस होना चाहिए।
जब आप सवाल पर इस तरह से फोकस रखोगे तो कई ऐसे सवाल होंगे जो ट्रिकी होंगे, जो आपको दिखाई देने में बड़े हो रहे होंगे, लेकिन आप इस टेक्निक से उन्हें पट से छोटा कर सकते हैं, चुटकी में चिपकाओ वाले की तरह। ठीक, तो उम्मीद करूं आपको ये चीज़ समझ में आई, आपने इसको किया तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप याद कीजिए मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई थी, मैंने आपको बताए थे शुरू में कि इसमें 48 सूत्र होते हैं, ठीक है, और आपको मैंने पूरे 48 बनाकर दिखाए कि कैसे बनते हैं और आप उन्हें कैसे हल करते हैं। अब मैं आपको 6 सूत्र और सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आप शॉर्टकट में याद कर लेना, ठीक है। शॉर्टकट में कैसे, देखो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो 6 सूत्र जो होते हैं वो होते हैं साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ठीक है। अब समझना मेरी बात, ठीक, इन पे डिपेंड ही बाकी के सूत्र होंगे, यानी कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। अब ये सूत्र कैसे वर्क करते हैं समझो, समझो कि ये कोष्ठक नहीं है, इन फलनों का पेट है शॉर्टकट में, ठीक है, और पेट के अंदर माइनस आ गया, ठीक। तो याद रखो कि सिर्फ कॉस ही अकेला ऐसा होता है जिसमें हाजमे की शक्ति दमदार होती है, मतलब अगर इसके पेट में माइनस आए या प्लस आए ये सब पचा जाएगा और रिजल्ट में हमेशा प्लस ही निकालेगा। लेकिन और किसी के पेट में अगर माइनस आ गया तो ये माइनस की उल्टी कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। मतलब साइन के पेट में माइनस आ गया तो साइन बाहर उल्टी कर देगा, टेन के पेट में माइनस आ गया तो ये बाहर उल्टी कर देगा, ठीक है। अब हम जानते हैं ये तीन कौन होते हैं, बड़े भाई, और ये तीन कौन होते हैं, छोटे भाई। तो भैया जैसा बड़ा भाई करेगा वैसा छोटा भाई करेगा, तो अगर यहाँ बड़े भाई का पेट मजबूत है तो इसका भी पेट मजबूत है, और अगर इन भाइयों के बड़े भाइयों के पेट खराब है तो इनके भी खराब है, तो ये भी सेम बिहेव करेंगे। क्लियर, अब तो समझ में आया, ये था शॉर्टकट, ठीक। वैसे मैं समझा दूं कि ऐसा होता क्यों है, ये तो एक कॉमेडी वे था आपको याद कराने के लिए, बाकी ऐसा होता क्यों है मैं वो समझा देता हूँ। देखो सीधी सी बात है कि भैया आप कौन को नेगेटिव कर रहे हो, है ना। देखो जैसे मैंने आपसे कहूँ कि भाई आप साइन माइनस 45 डिग्री निकाल रहे हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप साइन 360 में से 45 डिग्री घटा के निकाल रहे हो, मतलब तो यही हुआ ना। क्योंकि जब आप ऐसे लोगे और ये लाइन लोगे 360 वाली, तो माइनस का कोण तो यहाँ नीचे जाने पे मिलेगा ना। अब मैंने आपसे कह दिया कि ये है 45 डिग्री कोण, अरे तो चाहे मैं इसका मान निकालूं या मैं यूँ घूम के आऊँ और इसका मान निकालूं, तो अगर ये 45 है तो यूँ घूम के आऊँगा तो वो 360 माइनस 45 हो गया ना, और हम जान रहे हैं ये कौन सा चतुर्थांश बन गया, चौथा, चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव आ जाता है। तो मैथमेटिकल फॉर्मेट में बात थी ऐसे, बाकी वो एक कॉमेडी वे था आपको याद रखने के लिए जिससे आप याद कर पाए। तो 48 सूत्र वो और 6 सूत्र ये, कितने हुए हमारे 54 सूत्र, और 54 सूत्र आप देख सकते हैं हमने खेल ही खेल में पूरे सॉल्व भी नहीं करे बल्कि निकाल कर दिखा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब का एक अच्छा अभ्यास करेंगे जिससे आपको याद हो जाए। किसी भी किस्म की परेशानी आने पर स्कूल के नंबरों पर संपर्क करें, आप सबकी मदद करके हमें बहुत खुशी होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।